अंधागढ़ में लोगों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए अस्पताल खुलवाए जा रहे हैं। गांव में दौरा करने वाली मेडिकल की टीम के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ऐसे में झोलाछाप डॉक्टरों की दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं। ऐसा ही एक मामला ब्लॉक के ताडोकी में सामने आया, जहां एक बिना किसी डिग्री के बने सर्जन द्वारा एक मरीज का इलाज करने के कुछ दिन बाद उसका पैर गलने लगा, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित थाने गया, मगर डॉक्टर के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका पैर लखरोज के कारण नारायण में आए हैं। यहाँ गौतम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर बंगाली डॉक्टर करा था, सुई लगाया था, उनके कारण थोड़ा खूनसी निकलने लगा और गलने लगा था। वो मोटर साइकिल में तो गिर गया था और थोड़ा सा लोहा लगा, इलाज करने के बाद वो थोड़ा हो गया। थोड़ा होने के बाद खून निकलता था। नहीं करवाए उन लोग, वहाँ गए थे भानु में, बुला फोन करके बोले तो बोले आधा खर्चा दूंगा बोले। अभी वर्तमान में शिकायत प्राप्त होने के पश्चात पीड़ित का तो बयान नहीं हो पाया है, परंतु इसमें जांच अभी जांच की जाएगी और इसमें मेन जांच स्वास्थ्य विभाग के तरफ से की जाएगी। उनके लाइसेंस का जाँच होगा और बाकी चीज़ों का। उसके बाद अगर उसमें कोई गलती पाई जाती है तो अवश्य जाँच होगी। आपके हमारे संज्ञान में लाया है, हम जिला स्तर पर अधिकारियों को अवगत कराकर एक टीम भ्रमण करने के लिए भेजते हैं, प्रयास करवाते हैं कि ऐसे डॉक्टरों पर भी नकेल कर दी जाए। पाबंदी जो झूला साहब डॉक्टर जो क्लिनिक चला रहे हैं, जो अवैध संचालित हैं, उनके यहाँ जाके उनके प्रमाण पत्रों की, उनके क्लिनिक की जाँच की जाएगी और जो वहाँ पे जिस प्रकार की जानकारी मिलेगी उसके अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।